नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। मुठभेड़ में मारे रूपा मन्नू से बरामद, AK-47 से ही की गई थी मूसेवाला की हत्या। घटनास्थल से 400 राउंड फायर किए थे। पुलिस से झड़प के केस में कोर्ट में पेश हुए सीएम मान, जमानत मिली। कोर्ट ने दो नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए। शिमला में पहली बार ड्रोन से सेब पर स्प्रे। चीन ताइवान में तनाव के बीच युद्ध की वास्तविकता कितनी, चीन अपने दाव में उलझ गया। अमेरिका ने खुली चुनौती दी है पर जंग छेड़ना चीन के बस की बात नहीं। ताइवान के लोग कतई डरे हुए नहीं, वे रोजमर्रा के काम निपटा रहे हैं। जजों पर आरोप लगे तो उनका भी नार्को टेस्ट कराएं जस्टिस कृष्णा। रामलीला 10,000 वर्ग फीट का होगा मंच, राम मंदिर के 70 फीट की प्रतिकृति। दिल्ली में तैयारी, 250 कलाकार, क्रेन 3D का रोमांच। कॉमनवेल्थ कुश्ती में लगातार दूसरे दिन दिखी हरियाणा की ताकत, अब देश के 12 गोल्ड्स में 37 मेडल, सावन में सोने की झड़ी। लंपी प्रदेश में बनी स्वदेशी वैक्सीन के आपात यूज को मंजूरी, अगले हफ्ते से उपलब्ध होगी। बारिश 23% ज्यादा, फिर भी बिजाई पिछले साल से 1.37 लाख है पिछड़ी। चीन से तनातनी, ताइवान के मिसाइल कार्यक्रम के डिप्टी शिव का शव मिला। विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र कल से, PWD के 38, ULB के 29 सवाल सदन में पूछे जाएंगे। एलनाबाद पालिका उपाध्यक्ष के लिए चुनाव फिर स्थगित। युवाओं के साथ राजस्थान की राजनीति में जजपा ने की एंट्री। प्रदेश में 2 साल में खुलेंगे 8 नए ड्राइविंग प्रशिक्षण स्थान, सरकार ने जगह की चिन्हित। KU के प्राइवेट विद्यार्थियों के रोल नंबर अपलोड, 13 अगस्त से परीक्षाएं। फरीदाबाद में बच्चे की तस्करी के 17 मिनट में हुई थी फर्जी ग्राहक से डील, आरोपी बोला सरकारी व्यवस्था से अडॉप्शन में लगते हैं 10 साल, कैश में किया सौदा। प्रिंस हत्याकांड में मनोचिकित्सक नहीं पेश कर सके अपनी रिपोर्ट, स्कूलों में शौचालय की सफाई व पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो, सोनोवाल। एक्सीडेंट में घायल पत्नी ने क्लेम को पति पर लग किया केस, कोर्ट ने दिया 16.40 लाख रुपए मुआवजे का आदेश। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के 3 और आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर के गांव में फोटो दिखाकर बेच रहे बेटियां, 1.5 लाख रुपए में लग रही बोली। बच्ची को शोपीस की तरह खड़ा कर बोला, मेरी बेटी है, उम्र 15 साल, 1 लाख रुपए से कम नहीं लूंगा। बांसवाड़ा की ऐसी ही 12 बच्चियां बिकने के लिए केरल पहुंची थी। भारत के विरोध पर श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह आने से रोका चीन का जासूसी जहाज। धनखड़ उपराष्ट्रपति, पिछले 6 चुनाव में यह सबसे बड़ी जीत, विपक्ष में फूट, धनखड़ को वकैया नायडू से ज्यादा वोट। धनखड़ को 528, अलवा को 182 वोट। पड़ोसी देश का नया हथकंडा, दूसरे रास्ते बंद हुए तो बिटकॉइन के जरिए कश्मीर में फंडिंग करने लगा पाकिस्तान। अन्य देशों से भी भारत भेजी जा रही है क्रिप्टो। फिल्म निर्माताओं के यहां 200 करोड़ के काले धन का खुलासा। अमेरिका में हॉलीवुड को टक्कर देने लगी भारतीय फिल्में, बॉलीवुड की 70% वैश्विक कमाई यहीं से। अमेरिका में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग अंग्रेजी फिल्मों के बराबर। पोस्ट कोविड परेशानियों से बचने के उपाय, वैक्सीन संक्रमण से बचाएगी तो नहीं लेकिन इसके प्रभाव को कम करेगी, डॉक्टर लहारिया। यूक्रेन के 21 मेडिकल छात्र ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज पहुंचे, रूस के हमले से प्रभावित विद्यार्थियों को राहत। स्पेलिंग में चूक हो गई तो कक्षा में खड़े हो शिक्षक को गलती बताई, राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं धनखड़। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, कैंप के दौरान सभी ऑपरेशन पर विशेषतम छूट दी जाएगी। रोहतक के गांव टिटोली में CIA व आबाकारी विभाग की संयुक्त छापेमारी, घर में बनाई जा रही थी नकली शराब, 1481 बोतल और केमिकल बरामद। राजौन थाना के SA किठाना चौकी इंचार्ज व होम गार्ड सस्पेंड, केस के नाम निकालने की एवज में 1.5 लाख मांगने का आरोप। शाहबाद में RDX मिलने के मामले में 2 मुख्य आरोपी फरार, आंत की शमशेर सिंह को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई STF, रोबिन को 10 दिन के रिमांड पर लिया। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, कनीना के गांव खरकड़ा बास के पास हादसा। स्कूल बस से गिरकर टांग टूटने वाली बच्ची का पिता बोला स्कूल के खिलाफ कार्रवाई हो। गृह मंत्री अनिल विज ने SP को फोन कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। CCTV में दिख रही बच्ची बस से नीचे गिरती और टायर चढ़ता हुआ, कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 स्थित एक निजी स्कूल की बस के खुले दरवाजे से एक बच्ची ज्योति नगर के पास मोड़ पर नीचे गिरने के बाद उसकी टांगों के ऊपर बस का पिछला टायर चढ़ गया। पुलिस भर्ती फर्जीवाड़े में जींद का युवक काबू।
महेंद्रगढ़ के पूर्व विधायक की गाड़ी महिला को टक्कर मारकर फरार, 5 किलोमीटर पीछा कर पकड़ा। स्कूलों में किताबें भेजने को शिक्षा विभाग बना रहा रणनीति। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब दाखिले के समय ही विद्यार्थियों को मिलेंगी किताबें, टेंडर की सीमा बढ़ेगी। शिक्षा एवं खेलों में अग्रणी संस्थान प्रताप स्कूल खरखोदा, अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, बैरियट्रिक सर्जरी, केयर फॉर एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ, लेप्रोस्कोपिक वर्टिकल स्लीव गैस्ट्रिक्टॉमी, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बाईपास, रिविजनल बैरियट्रिक सर्जरी। कंसल्ट डॉक्टर प्रखर गुप्ता, बैरियट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन, ट्यूलिप हॉस्पिटल। मैं छत्तीस बरादरी का पूरे गाँव का हाथ जोड़ के उस सहयोग का धन्यवाद करता हूँ और आगे के लिए भी पूर्ण मैं छत्तीस बरादरी से और गांव से पूरा विश्वास दिलाता हूं और कि उनका सहयोग मेरे ऊपर बना रहेगा। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।